आप ये जो भी प्रक्रिया कराएं, आप प्लीज किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अंडर में ही कराएं, विदाउट एनी कंसल्टेशन। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो कराते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 3 बार करने के बाद भी चौथी बार कराने से भी नेक्रोसिस हो सकता है। ये नहीं है कि आप 3 बार करा चुके हैं तो नहीं, मुझे तो पता है सब कुछ। आई विल प्रेफर एवरीवन, मेरे को कहना है ये बात, प्लीज टेक प्रॉपर गुड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर और द कॉस्मेटोलॉजिस्ट और द पर्सन डूइंग इट, एनीबडी हु इज स्पेशलाइज्ड इन इंजेक्टेबल, और कंसल्ट करके विद अंडर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन साइन करके एंड प्रॉपर तरीके से आप उनसे सब गाइडेंस लें, उसके बाद ही किसी प्रोसीजर, जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ की। आजकल महिलाएं अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट करवाती हैं। इन्हीं में से एक है लिप फिलर, जिससे होठों की सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर आप भी लिप फिलर करवाने के बारे में सोच रही हैं या करवाने जा रही हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम दिल्ली की एक विशेषज्ञ से बात करेंगे और जानेंगे कि लिप फिलर क्या है और इसे करवाने की सही प्रक्रिया क्या होती है। ये है कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आकांक्षा जैन। डॉक्टर आकांक्षा के अनुसार लिप फिलर का इस्तेमाल होठों को परफेक्ट पाउट देने के लिए किया जाता है। इसमें हाइलुरोनिक एसिड को होठों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे होठों को सुंदर आकार दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 18 साल से ऊपर की महिला ही कर सकती हैं। चलिए तो डॉक्टर आकांक्षा से जानते हैं कि इसे कराने की सही प्रक्रिया क्या है और इसमें विशेषज्ञों की क्या भूमिका होती है। सी, लिप फिलर कराने के लिए एक प्रॉपर एज के बाद कराएं बेटर रहेगा। आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज अ वीमेन और गर्ल शुड डू इट। वन, टू इज व्हाट इज लिप फिलर। लिप फिलर इज द हाइलुरोनिक एसिड। हमारी स्किन जिस तत्व से बनी है, विच इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग ऊपर से भी लगाते हैं और उसको इंजेक्टेबल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, बूस्टर्स में भी यूज़ कर रहे हैं। सो एक अच्छे ब्रांड का फिलर जो आपके स्किन को एक डिफाइंड लुक दे सके, बिकॉज सी इन द यंग एज पीपल वॉन्ट ब्यूटिफिकेशन। सो जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन वी कैन हाइड्रेट द लिप्स विद द फिलर्स, या तो हम हाइड्रेशन दे सकते हैं उनको, या किसी के लिप्स बहुत शेप में नहीं है तो गर्ल्स आर वॉन्टिंग कि हमारे लिप शेप अप कर दो। बट इसकी वैलिडिटी या इसका वो 8 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक होता है। अच्छे से अच्छा ब्रांड भी लगा लो, वो डिपेंड करेगा कि आपका कितनी एक्टिविटी है, कितना मोशन है आपके लिप्स का, अकॉर्डिंगली डू इज वॉशिंग ऑफ। दूसरा, इसको करने के तरीके में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीबडी शुड बी, दिस शुड बी डन अंडर वेरी वेरी गुड डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड अंडर प्रॉपर सर्जिकल व्हाट यू कैन से सिनेरियोस, बिकॉज लोग कहीं पे भी करा रहे हैं, सलोन्स में करा रहे हैं, दे आर रॉन्ग, बिकॉज वहां पर ना नेक्रोसिस के चांसेस होते हैं। एंड नेक्रोसिस क्या, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, नेक्रोसिस बेसिकली, लिप फिलर इज अ काइंड ऑफ जेल, ठीक है, विच हम इंजेक्ट करते हैं एक शेप देने के लिए, डिफाइंड शेप देने के लिए, एक हाइड्रेशन देने के लिए, ठीक है। एंड ये जो मॉलिक्यूल होता है ये वाटर को खींचता है और फिर आपको एक बढ़िया सा लुक देता है, राइट, उसको पूरा शेप करता है, बिकॉज उसको तरीके से किया जाता है, द वे वी डू इट, तो प्रॉपर उसकी शेप बनाई जाती है, जैसे पैटर्न टू डू इट। और वो जो मॉलिक्यूल हम अंडर डाल रहे हैं वो पानी को खींचता है और उसको अच्छा सा एक प्लम्पी सा लुक देता है, जो आजकल आप लोग कहते हैं पाउट बनते हैं, एंड वेरी नाइस लुक शेप ऑफ द लिप। तो वो ब्यूटिफिकेशन के एंगल्स होते हैं जो हमें क्रिएट करने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इंजेक्शन किसी गलत वेन्स में, आर्टरीज में, या कहीं गलत जगह डिपॉजिट हो गया जिससे वहां पर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, उसे कहते हैं नेक्रोसिस, तो वो वहां का एरिया सड़ सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। गलत जगह इंजेक्शन हम लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली ब्लॉड भी बन सकता है वहां पर, बिल्कुल बन सकता है। सो यू रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप ये जो भी प्रक्रिया कराएं, आप प्लीज किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अंडर में ही कराएं, विदाउट एनी कंसल्टेशन। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो कराते रहते हैं, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। 3 बार करने के बाद भी चौथी बार कराने से भी नेक्रोसिस हो सकता है। ये नहीं है कि आप 3 बार करा चुके हैं तो नहीं, मुझे तो पता है सब कुछ। आई विल प्रेफर एवरीवन, मेरे को कहना है ये बात, प्लीज टेक प्रॉपर गुड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर और द कॉस्मेटोलॉजिस्ट और द पर्सन डूइंग इट, एनीबडी हु इज स्पेशलाइज्ड इन इंजेक्टेबल, और कंसल्ट करके विद अंडर प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन साइन करके एंड प्रॉपर तरीके से आप उनसे सब गाइडेंस लें, उसके बाद ही किसी प्रोसीजर, जल्दीबाजी ना करें किसी भी चीज़ की। अगर डॉक्टर कहता है कम करो या थोड़ा सा इसको वो करो, प्लीज़ फॉलो देम, बिकॉज वी ट्राई टू डू इट लेस। हम पहले कम करना चाहते हैं ताकि आप सेटिस्फाइड
हो जाएंगे तो हम उसको और ब्लर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज्यादा कर दिया तो कम नहीं किया जाता उसको, फिर पूरा खत्म किया जाता है। देर इज अ सोल्यूशन कि अगर किसी का बहुत ज्यादा हो गया ही और शी से नहीं, नहीं तो बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर हम उसको डायल्यूट भी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यस यस वी कैन डू इट, ऑब्वियसली टेक प्रॉपर प्रिकॉशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के अंडर में करेंगे दे नो व्हाट द प्रिकॉशन इज एंड दे साइमल्टेनियसली विल टेक केयर कि भाई हमारा अब एज एलेंटर्स वी हैव ऑल द यूनिट हियर, वी हैव ऑल प्लास्टिक सर्जरीज, वी हैव ऑल प्लास्टिक सर्जन, एवरीवन इज हियर। सो व्हाट हैपेंस इज कि उसमें कंप्लीट आपको ये हो जाता है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो मैम जो सर्जरी कितने टाइम तक रहता करवाने के बाद? वही मैंने बोला 8 मंथ से लेके 1.5 साल तक इसका वैलिडिटी बोला जाता है। तो ये नॉर्मल शेप में आ जाते हैं, जैसे 100% नहीं आते बट एक लेवल तक वो अच्छे रहते हैं, जीरो पे नहीं जाते कभी भी, थोड़ा सा प्लम्पीनेस रहती है बिकॉज यू हैव डिपॉजिटेड समथिंग, तो वो थोड़ी प्लम्पीनेस है, बट लोगों को चाहिए कि मेरे को वैसे ही रखना है तो फिर दे डू इट अगेन आफ्टर 1.5 ईयर। तो इसे हमेशा करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर में? लॉन्ग टर्म आई विल नॉट से, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट बिकॉज आई एम नॉट द राइट पर्सन टू दैट फॉर दैट, लेकिन हाँ मेरा सजेशन ये है कि आपको अपने कितने जरूरत के हिसाब से ही कराना चाहिए, टू मच और ओवर करने की किसी भी चीज़ की जरूरत, अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो देर इज नो पॉइंट कि मैं ये बोलूँ कि हाँ आप करा, इवन दिस इज अ वेरी सेफ मॉलिक्यूल टू इंजेक्ट इन साइड, दैट इज वाई इट इज कमिंग इन सच अ फॉर्म, उथराइड फॉर्म में भी आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, बूस्टर के फॉर्म में। अब बूस्टर क्या चीज़ है कि उसी का बहुत नॉन क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है वो, जिसमें वाटर रिफ्यूल होता है एंड इट हाइड्रेट योर स्किन, इट्स लाइक वाटर इन योर स्किन, सो वो आपको कुछ नुकसान नहीं देगा, लेकिन उसको भी करने का तरीका है अगेन द सेम थिंग। लोकल 18 के लिए दिल्ली से रिया पांडे की रिपोर्ट।